हाँ जी, इसमें अभी मैंने डाल दिया है नमक और एक काट के मैंने आलू डाल दिया है। आलू से क्या होता है ना कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्ण, सीताराम जय मंगल, सत श्री अकाल जी, सबको कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो जी, आज बनेंगे काले चने। आज काले चने बनाऊंगी मैं और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में क्या बनता है वो भी देखते हैं, क्या बनता है सोचा नहीं है। लंच के लिए सोच लिया क्योंकि छोले चने मैंने छोले काले काले रात को भिगो दिए थे, इसलिए अभी बनाऊंगी काले छोले। चलिए जी गाइस, इसके साथ बढ़ते हैं आगे। हाँ जी जी, अभी मैंने सोच लिया ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। ये मैंने मंगवाई है म्यूनिस और ये ब्रेड है। अब अभी इसको ख़त्म करते हैं, इसके बना के सैंडविच। हाँ जी जी, यहाँ पर मैं कर रही हूँ सैंडविच की तैयारी। मैंने सब कुछ चॉप कर लिया उसमें, यहाँ पर तो मैं अभी मसाला पीस रही हूँ चने के लिए। उसके बाद फिर मैंने उसके अभी बैटर तैयार करके रखना है, सारा मटेरियल तैयार करके रखना है। यहाँ पर तो खाली अभी मैं चने के मसाले की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी जी, यहाँ पर अभी मैं सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। उसमें मैंने एक छोटा सा टुकड़ा खीरे का डाला, टमाटर डाला, प्याज डाला और डाली इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाली और उसको मैंने चॉप कर दिया। इसमें मैंने इसलिए किया, इसमें मोटा मोटा होता है, मैं कट करती हूँ चाकू से तो फिर भी वो मतलब ज़्यादा मोटा होता है। इसमें बिल्कुल जैसा चाहिए होता है सैंडविच बनाने के लिए बिल्कुल वैसा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर किया। तो मेरे को थोड़ा सा लगा मटेरियल कम, मैंने थोड़ा सा प्याज और डाल दिया और फिर मैंने शिमला मिर्च भी, पहले मैं भूल गई थी शिमला मिर्च डालना, लेकिन फिर मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी। सो जी बन गया मेरा ये सैंडविच का मटेरियल तैयार हो गया। उसके बाद फिर मैं अभी जाऊँगी नहाने, नहा करके फिर उसके बाद बनाएंगे सैंडविच। सॉल्ट डालूंगी जब बनाना होगा, जब सैंडविच बनाऊंगी ना, अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा रुक के बनाऊंगी और फिर मैं डालूंगी इसमें सॉल्ट। अगर मैं सॉल्ट डाल दूंगी तो फिर पानी छोड़ देगा ये, इसलिए अभी नहीं। इसको मैं अभी इसमें फिल करके रख देती हूँ, पूरी तैयारी करके रख लेते हैं और जब बनाना होगा तब बना लेंगे। Thank you.
थोड़े से चने किए थे बॉयल ऐसे चाय के साथ खाने के लिए, नाश्ते के लिए, तो थोड़े मैंने ज़्यादा ही फुला दिए थे, रात को डिप कर दिए थे, तो सोचा मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट हो जाएगा इसका फ्राइड चने का, तो बस ये है। अब इसको मैं निकालूँगी, ये हो गए हैं, और उसके बाद फिर जी थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट वगैरह और मसाला वगैरह डाल दिया था, इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके और इसमें भी मैं लगा दूँगी चने को तड़का। ये बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, इसलिए मैंने ये बना लिए थोड़े से चने। और अब मैं लगा दूँगी चने को तड़का, उसके लिए भी मैंने मसाला पीस के रखा हुआ है।
थे मेरे बर्तन, मैंने सोचा साथ ही साथ इसको भी धो करके रख दूँ और फिर किचन भी साफ करनी होगी। तो ये हो गए जी मेरे बर्तन साफ सफाई। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, सुबह सुबह होता है, फिर तो दिन में चलो थोड़ी फुर्सत हो जाती है, रोटी वगैरह ही बनानी होती है, सब्जियाँ तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। यहाँ पर मेरे हो गए थे चने भी, 3-4 सीटी इसकी भी लग गई थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर, कमेंट जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर मेरे हो गए थे चने, उसके बाद मैंने इसको भी ट्रांसफ़र करके रख दिया था दूसरे बर्तन में, क्योंकि सारा दिन कुकर में पड़े रहे जो अच्छे नहीं लगते हैं, कुकर साफ करके रख दूँगी। और ये हो गए जी मेरे चने तैयार। यहाँ पर फिर मैं नहा करके आ गई थी, उसके बाद फिर मैं भूल गई थी कैमरा ऑन करना, और फिर मैंने सैंडविच बना लिए थे और आज ब्रेकफास्ट इसका किया। मैं दिखाना ही भूल गई, कैमरा मैंने रखा था लेकिन मैं ऑन करना भूल गई थी। ऐसी गलती हो जाती, दिमाग का काम रहता, सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है और सुबह काम भी बहुत होते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता गाइस, और आप बताना मेरी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। और अभी मैं जा रही हूँ रूम में बैठ के आराम से मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, इसके साथ ही वीडियो का करते हैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mother.